अवेयरनेस के लिए कृपा दिया है, ट्रेनिंग बहुत अच्छा हुआ है, संतुष्ट है। बहुत सी लोगों की चर्चा करके लोगों को हर बात की जानकारी, आज की परिस्थिति में जो वातावरण बना है उसके बारे में भी सब चर्चा करके जानकारी दे दिया है साथियों। आज के परिस्थिति के बारे में जो आपने बताया कि वातावरण बना है, शाहीन बाग में बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसको लेकर एक अभी बड़ा विवादास्पद बयान आया सर्जिल इमाम का, जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने डिप्लोमेटिक स्पीच दिया और सेडिशन का केस उन पर दर्ज हुआ है और दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस रेड कर रही है, तो क्या बिहार पुलिस क्या कर रही है और किस तरह का बयान उन्होंने दिया? देखिए, उस पर हुआ जो भी दिल्ली पुलिस कर रही है तो उसका काम है हर स्टेट का सहयोग करने का, तो दिल्ली पुलिस को सहयोग कर रही है, वो एक अलग विषय है। किसी ने जो कुछ भी कहा है, कोई गलत कहा है, उस पर कानूनी तौर पर कोई एक्शन हो रहा है, वो एक पहलू है। कोई भी कभी गलत काम करेगा तो उसके ऊपर जो कुछ भी केस चलता है, उसके ऊपर जो बात होती है, वो सब होता है। एक ही चीज आपको जानकारी दे दें कि जो इन दिनों एक बात चल रही है ना, एक माहौल को सामान्य किया जाना चाहिए, हम लोगों की ये ख्वाहिश है, लेकिन खैर कई लोगों के चाहने पर ही सब कुछ कुछ करती है तो कोई चाहता नहीं है। देखना जो है, जहाँ तक सीए का सवाल है जिसको लेकर के बोल रहे हैं, तो सीए तो अब एक्ट है पास हो गया, सीए भी सीए में कन्वर्ट हो गया, एक्ट से पास हो गया, तो केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी जो उसको लेकर के कुछ विवाद है, तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, और संवैधानिक है नहीं है इसके बारे में बात होगी। इसलिए हमको लगता है उस विषय पर अगर लोगों के मन में विषय, तो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होगी, बातचीत होगी, तो उसका इंतजार करना चाहिए। रही बात जहां तक केनार सिंह की बात है, आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले से ही कहा है केनार सिंह का सवाल ही नहीं है, और प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया कोई बात नहीं है। एनपीआर की जो बात आई है, एनपीआर तो 2011 से चल रहा और उसी का रिव्यू हुआ, आगे बढ़ा 2015 में और फिर 2020 में हो रहा, कोई नई बात एनपीआर की तो बात है नहीं। लेकिन हाँ, एक बात हम लोगों ने आपस में जो बातचीत की, हम लोगों को लगा कि एनपीआर में जो नए कुछ उसमें ऐड किए गए उसको लेकर के भ्रम का माहौल पैदा होगा कि भाई माता पिता का कहाँ जन्म हुआ, किस दिन जन्म हुआ, तो ये कोई जरूरी जानकारी है। डेट के बारे में तो कितने लोगों को जानकारी है, जो खास करके जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उनको भी नहीं। तो इसको देखते हुए हम लोगों की अपनी राय है और हम लोगों के पार्टी की तरफ से हमारे दोनों संसदीय दल के जो हैं लोकसभा और राज्यसभा में नेता, ये लोग बात भी करेंगे और इस बात को रखेंगे भी कि जो पहले से चला रहा है एनपीआर का जो आधार 2011 वाला, उसी को कंटिन्यू करिए, उस नए चीजों को जिसको लेकर के कोई भ्रम हो, कोई कंफ्यूजन हो, लोगों को तकलीफ है। एक बात तो कही गई है कि जो नहीं जवाब देगा तो उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन भाई जवाब नहीं देगा फिर भी तो उसको लिखा रहेगा ना डैश, तो उससे लोगों को एक भ्रम है कि भाई नहीं लिखा रहेगा उसका, कभी जाकर के जब कभी एनसीआर के मामले आए, कई तरह की बात लोगों के मन में, जब एनसीआर की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एनपीआर में अगर ये बात है तो जो पहले का मापदंड है उसी पर करना चाहिए, जो एक अनावश्यक माहौल पैदा हो गया है वो ठीक बात नहीं है। समाज में किसी तरह की कटुता न पैदा हो और लोगों के मन में कोई भ्रम का भाव नहीं पैदा हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम लोगों को ये लगता है कि हम लोगों की फीलिंग है कि इसमें भी जो नए और क्लॉज दिए गए उन क्लॉजेस की कोई आवश्यकता नहीं है, जो पुराने क्लॉज हैं जिसके आधार पर पहले ही एनपीआर का हुआ वही कराइए। ये हम लोगों का कौन से वो दो क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को चार पांच है, उसमें से एक जो है वो है माता पिता को लेकर कि उनका कहाँ जन्म हुआ और किस दिन जन्म हुआ, तो ये तो कोई जरूरी नहीं कि सबको मालूम हो, और खास करके गरीब तबके के लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा तो ये है। उसके अलावा भी कुछ है भाई, आपका आधार का तो सब चीज का नंबर होगा, सब का नंबर तो सब रिकॉर्डेड है ही, ऐसा तो है नहीं इन चीजों का जो नंबर होता है रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड है,
तो इन सब चीज़ों को भी देख लेना चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों को लेकर के एक मन में, जिसको कहिए कि लोगों के मन में भ्रम आ गया है या भय आ गया, तो उस चीज़ से जरूर लोगों को राहत दिलानी चाहिए। जैसी कोई बात नोट करिएगा तो लोगों के मन में ये भ्रम आ गया है कि नोटेड रहेगा और उसमें डेस्क लिखा रहेगा, तो कल अगर सिग्नल रजिस्ट्रेशन हुआ, एनआरसी हुआ, तो उसमें फिर उनको संकट हो जाएगा। ये सब बातें जो मन में है, तो हम लोगों को भी लगता है कि ऐसा कोई लोगों के मन में भय का वातावरण पैदा ना हो और किसी तरह के भ्रम का वातावरण पैदा ना हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए तो वर्ग को लेकर जो आप बताइए, बिल्कुल उनको बता चुके हैं, ये कोई बिहार की बात नहीं है, ये तो पूरे देश की बात है। गरीब गुरबा तबके के लोग, अगर हम ही सब खुशी हुआ तो हम अपने माँ का बर्थडे जान रहे हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको पूछ लीजिए भाई, पहले इन सब चीजों पर कहाँ कुछ ध्यान देता था, और गांव देहात में इन चीजों पर कोई ध्यान ही नहीं देता था, तो इसलिए इन चीजों को क्या जरूरत है। और जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं उनको क्या पता, नहीं दिए तो वो भी लिखा हुआ तो क्या लिखा, मतलब नहीं देना देना जरूरी नहीं है, नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, पर लेना ही क्या जरूरत, पूछना ही क्या जरूरत। ये एक बात है जरूर हम लोगों की आपस में बातचीत, आज की बातचीत नहीं है, अलग से बात। सर कई प्रदेश सरकार जिस तरीके से विधानसभा में रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं सीए के खिलाफ, क्या आप उसको सही मानते हैं? सब देखते हैं, सब प्रदेश का अपना अपना निर्णय, सीए बन जाता तो इनको स्टेट का है, जरा हमको बता दीजिए, एक्ट का समर्थन करना या एक्ट का विरोध करना सबका अपना फर्ज है। लेकिन आप अगर कहिएगा कि हमारे यहाँ है अधिकार राजनीति, ये देखिए बिना मतलब की बात हो रही है। और अब जब उसके बारे में लेकर के ओपिनियन अलग अलग है, जो उसका क्यों सुना है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो भाई ये संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, इस पर तो निर्णय हो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में, उसको क्या जरूरत है इतना ज्यादा वातावरण इस तरह का, क्या आवश्यकता। हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि लोगों को इन सब चीजों को भी रखना चाहिए ध्यान में, कि कहीं समाज में कुछ ऐसा वातावरण नहीं पैदा करें जिसमें एक परिस्थिति बहुत ही एक अलग किस्म की पैदा हो जाए देश में, वो ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा हो एक एकता की, और जिसको कहिए आपसी एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहना चाहिए, सद्भावना का मतलब रहना चाहिए। देश भर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे शाहीन बाग हो, सभी बात हो, अपनी बात है, क्या लगता है कि फॉरेन फंडिंग हो रही है? क्या फॉरेन फंडिंग हो रही है सर? उस पर हमें कुछ नहीं करना, पटना के जो मंत्री, हम ये कुछ करना चाहते हैं कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना लोगों का तर्क। लेकिन जब ये कानून पास हो गया और वो केंद्र सरकार की थी, और जब वो कानून पास हो गया और उस पर चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो अल्टीमेट तो सुप्रीम कोर्ट ही है कि कोई सही है या गलत है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उसका निर्णय तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होता है। इसलिए लोगों को इन बातों को समझना चाहिए। देखिए अकारण इतना ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं, हर पक्ष के लोगों को कहेगा, हम लोगों का भी जो ओपिनियन है तो हम लोग तो अपना ओपिनियन प्रकट करते हैं। और एक बात आज की बात ये होगा कि ये जो सेंसस है जनगणना, ये कास्ट बेस्ड होना चाहिए, और बिहार से ये रिकमेंडेशन और ये आग्रह, आप जानते हैं कि पिछले वर्ष राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब उत्तर हो रहा था तो हमने कहा था, अनुरोध किया था कि लोग की विधानसभा विधान परिषद दोनों में ये पारित हो कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए,
जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, 1931 के बाद अब तक नहीं हुआ है। और इसके लिए फरवरी 2019 में विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों में संकल्प पारित हुआ और इसकी सूचना हम लोगों ने केंद्र में जिनका दायित्व है जनगणना का वहां भेजा दिया। तो हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, हमारे बिहार के असेंबली और काउंसिल का यूनैनिमस रिजोल्यूशन है संकल्प, और हम लोगों ने उसको भिजवाया भी है और हम लोग इस राय के हम लोगों के पार्टी की भी राय है ये तौर पर जिसको हम लोग पुनः प्रकट हमने किया है विधानसभा में भी और आज भी हम लोगों के पार्टी के मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई है। और जो सेंसस होना चाहिए 1931 के बाद नहीं हुआ है, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए और उसे पता चलेगा समाज में अब जो सभी किसी भी धर्म को मानने वाले उनका हो जाता है सेंसस गिनती, उसका एससी एसटी का जिस किसी भी जाति या कैटेगरी के उसका भी गिनती हो जाता है। तो बाकी जो बचे हुए सामान्य कैटेगरी वाले या पिछले वर्ग के उनके बीच में भी एक कास्ट का सेंसस हो जाएगा तो पूरी जानकारी होगी। और उसमें कोई भी काम आप उठाते तो जनगणना की जानकारी है तो समाज में हाशिए पर जो है उसको मुख्य धारा से लाने के लिए जो कदम आप उठाएंगे इसके लिए और क्या क्या करना है, कितना हमको इसके लिए संसाधन की और जरूरत पड़ेगी, इस काम को पूरे तौर पर हमको क्रियान्वित करना, उससे बहुत उसको सुविधा मिले। अब 2011 में कुछ बाद में लोगों ने सर्वे जैसा काम किया, वो तो प्रकाशित नहीं हुआ इसलिए कुछ लोग काम ही नहीं हुआ। मेन जो सेंसस हुआ उस सेंसस में जाति आधारित नहीं किया गया, उसके अलावा ऐसे ही एक और दूसरा कर दिया था उसे कुछ पता नहीं था और दूसरा किया तो करीब कहीं कतरा की गलत फहमियां भी थी। इसलिए मूल तौर पर सेंसस हो जनगणना हो जाति आधारित एक इस देश में ये हम लोगों की एक राय है आज उसके बारे में हम लोगों ने यहां भी बातचीत की।